चुनावों के लिए तैयारी कर रहे इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मनपा चुनाव के लिए प्रभागों में एससी एसटी और सर्वसाधारण वर्ग में महिला आरक्षण आज तय हुआ है। इसके लिए आज सुरेश भट्ट सभागृह में आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया। अब यह साफ हुआ कि चुनाव में किसका पत्ता कटेगा और कौन फिट बैठेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभाग एक में आ अजा महिला बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग दो में आ अजा महिला बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग तीन में आ सर्वसाधारण महिला बा और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग चार में आ अजा बा अज महिला और का सर्वसाधारण के लिए रहेगा। प्रभाग पांच में आ अजा बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग छह में आ सर्वसाधारण महिला बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग सात में आ अजा बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग आठ में आ अजा बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग नौ में आ अजा बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग 10 में आ अजा महिला बा अज और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। प्रभाग 11 में आ अज महिला बा सर्वसाधारण महिला और का सर्वसाधारण के लिए आरक्षित होगा। आगामी दिनों में होने वाले मनपा चुनाव के लिए आरक्षण का ड्रॉ आज सुरेश भट्ट सभागृह में निकाला गया। इसे लेकर कई लोगों के राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं। बाइट आज आरक्षण के ड्रॉ निकाले गए। इस पर यदि आपत्ति और सूचना दर्ज करना हो तो 6 जून तक दर्ज करा सकते हैं। अब देखना होगा आगे मनपा चुनाव में क्या मोड़ आता है। महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने आपला नागपूर महानगरपालिकाचे एकूण 156 जागांपैकी 78 जागा महिलांकरिता राखीव करण्याकरिता आज सोडतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। यामध्ये आयोगाने दिलेली सूचनाप्रमाणे तंतोतंत पालन करून प्रॉपर आपण सर्वांचं समोर आज या ठिकाणी लॉटरी स्वरूपात आपण 78 जागाचे निश्चित केलेले। यामध्ये जवळपास 16 अनुसूचित जाती महिलांकरिता, 6 जागा अनुसूचित जमाती महिलांकरिता आणि उरलेले जे 56 जागा आपल्याला सर्वसाधारण महिलांकरिता आपण आरक्षित करून दिलेले। यामध्ये आयोगाने दिलेली सूचनाप्रमाणे आपण केलेले आहे। आपल्याला या सोडतीच्या प्रक्रिया संदर्भात कोणाला ऑब्जेक्शन वगैरे असेल तर पुढील 6 दिवस उद्या आपण त्याच्या पब्लिश करणार आहोत 1 तारखेला। त्याच्यानंतर 6 दिवस त्यांना प्राप्त होईल, त्यानंतर त्यांच्या हरकतीच्या अनुषंगाने उचित निर्णय घेण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहळ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।